नमस्कार साथियों, एक छोटे से लेक्चर में 15-20 मिनट में हम प्रयास करेंगे जानने को कि मैप रीडिंग टर्मिनोलॉजी, जब हम मैप रीड करते हैं तो काफ़ी टर्म आते हैं। प्राय हम सुनते हैं प्राय, प्रायद्वीप, केप, द्वीप, महाद्वीप, क्रीक, बैक वाटर, लगून, गल्फ, बहुत सारा। तो ये सब क्या हैं छोटे छोटे, इन्हें हम साधारण शब्दों में समझ लें, इसे आसानी होती है मैप्स को समझने में। सबसे पहले हम आपको एक खूबसूरत सा मैप दिखाएं पूरी दुनिया का। ये दिस वन या सेव, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। ये आपका रहा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप से कहने का जो तात्पर्य होता है कि देशों की बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी नाम, राजधानी, उनकी सीमाएं क्या हैं, तो इसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं कि राजनीतिक बाउंड्री जो होती है। तो ये है पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड मैप, ये है पॉलिटिकल। इसमें आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया दिख रही है, महासागर दिख रहे हैं। अब तो साउथ सदर्न ओशियन भी हो गया है, दक्षिणी महासागर, दुनिया के सात महाद्वीप, एक जीलैंडिया जो है उसको भी बहुत देशों ने मान्यता नहीं दी है, वो डूबा हुआ क्षेत्र है इस एरिया में। सो प्रमुख पांच जो सात महाद्वीप, वो जान है उत्तर अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इतना है। आप मैप देखिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा ईमानदारी से, एक एक देश आपको याद हो जाए, यूपीएससी की तैयारी की खूबसूरती है। देख रहे हैं, जैसे ये है आपका कनाडा, उत्तर अमेरिको, मैक्सिको, फिर देखिए बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, इतने देश हैं, इनका क्रम याद रहे। पनामा देखो इधर उधर कैरिबियन सी से टच हो रहा है, इधर आपका पैसिफिक प्रशांत महासागर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इधर है क्यूबा, हाइती, ये सब हैं। साउथ अमेरिका में प्रमुख देश देखो, इधर से शुरू करो अपना एक सीरियल से हमेशा याद करो, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील, अंदर में है बोलीविया और पराग्वे। एक एक देश आपको याद हो, एक एक देश ऐसे आप याद करिए। मैं आपको एक तरीके से ट्रिक भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने उत्तर अमेरिका में शुरू किया था ऊपर से, तो कनाडा, उत्तर अमेरिका, मैक्सिको, फिर बेलीज कॉर्नर पे, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा सिटी, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा सिटी। ऐसे आप कई बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ध्यान रहे कि क्रम ना चेंज हो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप मदद पा सकते हैं अटैम्प्ट करने में। ऐसे इधर से शुरू करिए, यहाँ से फ्रेंच गुयाना से, फ्रांस का है, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, फिर शुरू करो फ्रेंच और ये ब्राज़ील, फिर फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, तीन लगातार हो गए, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, फिर ऊपर में है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, फिर बड़े देश में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, इक्वाडोर देखो किनारे ही है कोलंबिया और पेरू से, इक्वाडोर, पेरू, फिर चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील, अंदर में है बोलीविया, पराग्वे। इससे आप जान सकते हैं अस्थलुद्ध देश, बढ़िया से इसको याद करो, रटो जो मन हो करो। ऐसे अफ्रीका का शुरू करो, यहाँ से ऐसे आप अफ्रीका का शुरू करो, मोरक्को से शुरू करो, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, फिर बोलो मोरक्को, मेरे साथ बोलो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, मिस्र, देख रहे हो पांच देश ऊपर, फिर सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, सूडान, इरिट्रिया, एक्चुअली इरिट्रिया इथोपिया के ऊपर यहाँ थोड़ा सा होगा, जी हाँ देखो लिखा है जिबूती, जिबूती, तो इरिट्रिया,
जिबूती, इथोपिया टच नहीं करता है, ये जो आपका रेड सी है, बाबल मंडेव है, फिर यमन की खाड़ी है, ऊपर है लाल सागर, ओमान की खाड़ी, वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, वहाँ पर है हॉर्मुज जल संधि, यहाँ है बाबल मंडेव, तो यहाँ पर एरिट्रिया है, तो ये अंदर का देश है इथोपिया, तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया ऊपर है, इसी को हॉर्न भी कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, फिर केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, फिर नामीबिया, अंगोला, डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर कांगो, फिर डीआरसी मतलब कांगो, उसके बाद कांगो भी एक देश है, तो डीआरसी, कांगो, गैबन, गैबन के बाद में यहाँ होगा इक्वेटोरियल गिनी, छोटा सा देश, फिर उसके बाद में यहाँ पर होगा कैमरून, काफ़ी नाम नहीं लिखा यार, फिर नाइजीरिया, फिर यहाँ घाना, टोगो, बेनिन, यानी ये सात, ये बेनिन, ये टोगो, ये घाना, ऐसे है नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, इसी से देखो ग्रीनविच लाइन जाती है, फिर कोट द आइवरी, लाइबेरिया, सियरा लियोन, लाइबेरिया, सियरा लियोन, फिर गिनिया, अब ध्यान देना एक तो यहाँ भी है, वो है फ्रेंच गिनी, सूरीनाम, यहाँ देखो ये गिनिया है, गिनिया, उसके बाद यही होगा गिनी बिस्साओ छोटा सा, उसके बाद में गैम्बिया, इसकी राजधानी दबांजुल है, फिर सेनेगल, फिर मॉरिशियाना, वेस्टर्न सहारा, ये हैं तटीय देश अफ्रीका के, आपको बहुत अच्छे से इन्हें याद रखना है, फिर मेरे साथ बोलो, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, फिर सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, डीआरसी, कांगो, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, कोट दी आइवरी, लाइबेरिया, सियरा लियोन, फिर उसके बाद में है गिनिया, फिर गिनी बिशाऊ मतलब गिनी, गिनी बिशाऊ दो देश हैं, एक है गिनी, एक है गिनी बिशाऊ, फिर द गैम्बिया, सेनेगल, मॉरिशियाना, वेस्ट अफ्रीका, ये आपके प्रमुख देश हो गए अफ्रीका के, अंदर फिर आप चलेंगे, अंदर चल लेना, उसे पता चलेगा अंत स्थल रुद्ध देश कौन से हैं, माली, नाइजर, चाड, तीनों हो गए, माली, नाइजर, चाड, फिर बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य, साउथ सूडान, इथियोपिया, तीन यहाँ हो गए, माली, नाइजर, चाड, बुर्किना फासो, फिर सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, साउथ सूडान, इथियोपिया, बीच में आप पाओगे यहीं है युगांडा, यहीं होगा युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तीन देश यहाँ हैं, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, फिर नीचे आओगे यहाँ जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये मालावी, मालावी यहाँ से लेके एक ऐसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली निकल रही है जो आपको मैं बता रहा था, तो ये मालावी झील यहाँ भी है, मालावी, तो ये अफ्रीका के प्रमुख देश हो गए, ऐसे देख रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया है, फिर ये द्वीपीय देशों का क्रम थोड़ा सा आप ध्यान रखना, यहाँ भारत का जैसे हो गया ये लक्षद्वीप यहाँ है, फिर मालदीव, तो जैसे क्रम है मालदीव, सेशल्स, कोमरोस, मालदीव, सेशल, कोमरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन, फ्रांस का है रियूनियन, तो मालदीव, मालदीव, सेशल्स, कोमरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन, फिर यूरोप में आप जाओगे, यूरोप में थोड़ा सा ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा, तो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, फिर आप पोलैंड पढ़ेंगे यहाँ, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, तो ये देशों को आप देखना, अच्छे से देशों को देखना, मैं एक बार मैप को, एक एक देशों को मैं आपको कोशिश कराऊंगा कि एक एक देश रट उठे, मेरी जिम्मेदारी है, फिर इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, दोहा, ये सब देख लेंगे आप लोग, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो ये सेंट्रल एशियाई देश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, आपको यह ध्यान देना है, चाइना, भूटान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, फिलीपींस, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, जापान, साउथ और नॉर्थ कोरिया,
रशिया, मंगोलिया, जॉर्जिया, सब आप देखिएगा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जावा। तो ये मतलब ये आपका पॉलिटिकल मैप, टर्मिनोलॉजी अभी हम आपको बताते हैं। एक और मैप एनसीसी के साथ हम लगा दें, बगैर इस पे हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको मैं एक एक करके चर्चा करूँगा बाद में। अभी आप केवल देखिए मैप क्या होते हैं, आप तो मैप जानते ही उसमें दिखाना क्या है, लेकिन हाँ इसको दूसरे तरीके से भी आप, ये पॉलिटिकल मैप और ये आपका है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में ही जाहिर सी बात है, इसमें ईश्वर ने जो बनाया है उसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं है, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये दुनिया का, इसीलिए इसमें दुनिया गायब है जो राष्ट्रों ने अपनी सीमा खींची हुई है। यहाँ प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हैं, अंटार्कटिका हिम से आच्छादित है, एक से एक डिजर्ट हैं, ये प्लेटू हैं, मरुस्थल हैं, द्वीप हैं, महासागर हैं, कितना खूबसूरती प्रकृति की है। ग्रा की एंडीज है हमारा, उत्तुंग शिखर खूबसूरत, हिमालय के टू गार्डवेनस्टीन, कितनी झीलें हैं, नदियां हैं, कैसे उगाना है कि पंछी, नदियां और पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए हैं, सोचो हमने और तुमने क्या पाया इंसानों के। तो यस, यहाँ पर देखो किसी भी प्रकार का कोई भी सरहद नहीं है, सब प्रकृति आपस में कितनी इंटरडिपेंडेंट है, सब खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। अगर इधर मैक्सिकन प्लेटू है तो हम इधर हमारा डेकन प्लेटू है, इधर माउंट किनले है तो इधर केटू है, इधर साउथ अफ्रीका पूरा महाद्वीप है तो इधर हमारा एशिया, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सब है फिजिकल सबसे खूबसूरत मैप, यूपीएससी में सब पूछता ही रहता है यहाँ से। ओके, हमारा जो मेन संदर्भ है इस क्लास का वो है टर्मिनोलॉजी। आइए देखते हैं एटलस। सबसे पहले एटलस, ये क्या है, ये कहें तो छोटे पैमाने ये एटलस का और कुछ नहीं है कि बृहद स्थलाकृतिक चाहे हुआ बृहद स्थलाकृतिक विवरण को छोटे मानकीय स्वरूप में प्रदर्शित करता है। जब आप पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि इतना सारा मैप होता है कि आपको क्या बताऊं, वो पॉलिटिकल, फिजिकल, टेक्टोनिक मैप, रेनफॉल, पॉपुलेशन, रिलीजन, मतलब जितना भी तरीके सोच पाओगे दुनिया में सब का मैप बनता है भाई। कितना रेनफॉल कहाँ हो पा रहा है, सिस्मिक भूकंप वाला, वल्केनो से संबंधित क्षेत्र क्या है, तो ये मैप है। अब आते हैं मोटा मोटा देखें एटलस पे, ये मुख्य रूप से कहोगे तो जल स्थल का विवरण दिखा रहा है, स्थल का विवरण। पृथ्वी पे देखें तो लगभग लगभग अनुपात जो है 29:71, ये है महासागर जिन्हें हम कह रहे हैं ओशियन, और ये हैं महाद्वीप, ये 7। इसमें प्रमुख देखोगे तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक, इंडियन ओशियन, हिंद ओशियन, आर्कटिक, अटलांटिक, सदर्न ओशियन, तो ये सब प्रमुखता 3 है, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, ये 3 मुख्य हैं, छोटे छोटे तो बहुत। चलिए आगे देखते हैं, द्वीप चारों तरफ से सागरों से घिरा,
सागर या सागरों से घिरा, एक ही सागर से घिरा होगा, जाहिर सी बात है, सागरों कैसे हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख लो, हवाई द्वीप, लक्षद्वीप, काफी चर्चा में लक्षद्वीप भैया इस समय। फिर महाद्वीप, इसमें जो स्थलखंड होगा वो छोटा होगा, चारों तरफ सागर से घिरा स्थलखंड, इसमें बड़ा स्थलखंड होगा, ये सागरों से जुड़ा होगा, हम कहें महासागरों से घिरा होगा। अब देखो भाई, अगर ये छोटा स्थलखंड होगा तो ऐसा थोड़े होगा कि ये स्थलखंड है और इस किनारे प्रशांत महासागर, इस किनारे हिंद महासागर, बहुत रेयर चांस हो सकता है, एक्चुअली एक ही महासागर के अंदर होगा। कैसे, ये तुम्हारा अरब सागर में, अरे भैया तुम कहाँ से आगे पीले वाले, ये अरब सागर में है, ये प्रशांत में है, ऐसे ये होंगे महाद्वीप। देखिए एशिया, तो एशिया देखेंगे किससे घिरा है, साउथ में हिंद है, हिंद महासागर, इधर जाएंगे तो प्रशांत है, ऊपर जाएंगे तो आर्कटिक है, इधर देखोगे थोड़ा सा तो कैस्पियन सागर है, यहाँ लाल सागर है, अरब सागर है, देख रहे हैं। अब देखिए यही आपका, आपके सामने है एशिया, एशिया महाद्वीप यही तो है, एशिया देखो, आर्कटिक है, ओशन है, फिलीपींस सागर, चीन सागर तो छोड़ ही दिया, बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इंडियन ओशन है, यहाँ पर कैस्पियन मिल जाएगा, लाल सागर, तो ये इसे हम कहते हैं महाद्वीप, सागरों से, महासागरों या सागरों से घिरा होता है, महासागरों या सागरों से घिरा होता है। आगे चलते हैं, फिर आता है उपमहाद्वीप। अब ये समझने वाले एग्जाम्पल, एक ऐसे तरीका भी समझ में कि पीएससी में कैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल है भारत, भारतीय उपमहाद्वीप, ध्यान रखना भारतीय उपमहाद्वीप का जब हम नाम लेते हैं तो केवल भारत इसमें शामिल नहीं है, उपमहाद्वीप। तो इसमें अगर हम देखें तो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो पाकिस्तान भी शायद शामिल है, उसके बाद सुलेमान पर्वत है, तो ये सब देश शामिल हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अकॉर्डिंग टू एनसीबीआई द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंसिस्टिंग वेरिएबली ऑफ इंडिया, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका मालदीव भी लिख लो भैया, लंका मालदीव, ये हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। एक प्रायद्वीपीय स्थिति है, ये भी आपको बताता हूँ, पहले उपमहाद्वीप समझिए। उपमहाद्वीप से महाद्वीप ने देखा आप महासागरों से घिरा है, ना केवल महासागरों से, अब द्वीप कहने से संदर्भ आप ले रहे हैं तो जल से ही घिरना जरूरी नहीं है, इसकी सीमा निर्धारित करते हैं, सीमा निर्धारित कौन करेंगे, सागर महासागर, बड़े बड़े पहाड़, पठार, यानी कि इसकी अगल अलग ही एक भौगोलिक विशेषता होगी, ऐसे चूंकि बड़े क्षेत्र में, ऐसे इन महाद्वीपों के, भारतीय महाद्वीप के, इसकी एक अलग, इसलिए इसको उप महाद्वीप का अलग भौगोलिक पहचान है भारतीय महाद्वीप की, कैसे वो भी हम देखते हैं, भौगोलिक पहचान है। अगर आप देखेंगे तो भौगोलिक पहचान कैसे, भारत का मैप अगर इसमें हो तो ठीक, डलट हो गया, तो अगर देखेंगे तो पाकिस्तान में इधर सुलेमान पर्वत श्रेणी है, सुलेमान, ऐसे अगर भारत बनेगा अपना ऐसे, तो ये सुलेमान पर्वत, इधर हिमालय, तिब्बत पठार। अब आप इसकी महत्ता समझे होंगे जब पढ़ रहे होंगे कि मानसूनी वर्षा में कितना सहायक है, इधर देख रहे हैं हिमालय ही पूरा है, यहाँ याकोहमा म्यांमार में जो पहाड़ी है, याकोमा नाम शायद, तो म्यांमार वाला ये पहाड़ी रीजन है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी, नीचे जाएंगे यहाँ हिंद महासागर,
तो दुनिया में एक अलग ही भौगोलिक विशेषता इस क्षेत्र को प्रदान करता है, इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, इंडियन ओशन। ये हो गया आपका। तो अगर हम देखें भौगोलिक दृष्टि से तो एशिया यूरोप एक ही है, लेकिन बृहत आकार से उसे हम अलग करके देखते हैं, ये बीच में जो यूराल पर्वत आ जाता। तो ऐसे अब आते हैं अगला संदर्भ, प्रायद्वीप। अच्छा, इंग्लिश इंग्लिश यार का देखो, ये हो गया आइसलैंड, ये हो गया कॉन्टिनेंट, ये हो गया सब कॉन्टिनेंट, ये हो गया पेनिसुला, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है कि तीन तरफ जल से घिरा। भारत वाला ये प्रायद्वीपीय भारत, ये है, इसी को हम कहते हैं ये वाला प्रायद्वीपीय भारत। देखो, बे ऑफ बंगाल, अरब ओशन, इंडियन ओशन, बीबी। ओके, सो तीन तरफ अगर घिरा हो, और इसी का एक लघु रूप क्या होता है, इसी के लघु रूप जो होता है उसको कहते हैं केप। केप एग्जाम्पल, केप ऑफ गुड होप, सिम बहुत प्रचलित, केप ऑफ गुड होप। ये अगर देखेंगे तो वही कौन था जी, वास्को डी गामा, तो उसी का जो नाविक था उसी ने कहा था केड़ अच्छी उत्तम आशा अंतरीप, शायद कहते हैं उत्तम आशा, गुड माने। अब देखो वहीं से इसका कितना गजब, मतलब केप को हिंदी में कहते हैं अंतरीप, केप गुड माने उत्तम, होप माने आशा, तो उसने उसको उत्तम आशा अंतरीप कहा था, उत्तम आशा अंतरीप। ये दक्षिण अफ्रीका में है, ये यहाँ देखो, यानी कि समुद्र तीन तरीके से, सागर या पानी से घिरा हुआ भाग हो, अगर बड़ा भाग है, अरे बाबू कहाँ है छटक रहे, अगर बड़ा भाग है तो इसको कहते हैं हम पेनिसुला, छोटा है तो उसको हम केप बोलते हैं। देखो केप अगुलहास है, तो बहुत जगह आपको केप मिलेगा, केप वर्दे पढ़ोगे। सो मैं समझ रहा हूँ आप समझ गए होगे कि व्हाट इज केप। चलिए यहाँ लिख लीजिए केप, प्रायद्वीप का लघु रूप होता है केप, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि तीन तरफ समुद्र घूम रहे हो, या स्थल का समुद्र में निकला हुआ भाग, इन दोनों को कह सकते हो। देखो एक ही शब्द को कहने के दो तरीके हैं, एक तीन तरफ जल से घिरा हो इसका छोटा स्वरूप केप, या कह सकते हो स्थल का समुद्र में निकला भाग। तो ये हो गया केप। आगे बढ़ते हैं, अब आता है एक संदर्भ, खाड़ी। खाड़ी को इंग्लिश में देखो बे भी बोलते हैं और गल्फ भी बोलते हैं, गल्फ। बे में देखते हो तो बे ऑफ बंगाल आता है, और गल्फ में देखते हो तो पर्सियन गल्फ, फेमस मतलब फारस की खाड़ी। देखो गल्फ भी जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। अगर हम कह सकते हैं तो ये जो बे होता है, गल्फ जो होता है, ये बे का संकरा रूप है। गल्फ आप देखते हैं, ये खाड़ी का डिफिनेशन देखो क्या है, ये है जल का महाद्वीपीय भाग में, जल का महाद्वीपीय भाग में घुसना, महाद्वीपीय भाग में घुसना, चित्र के माध्यम से कि ऐसे कुछ, ये महाद्वीप अभी आपका है, ये जल है, तो इसी को हम बोलते हैं बे। और अगर महाद्वीपीय भाग में कुछ इस तरीके से घुसा हुआ है जल, तो इसको हम बोलते हैं गल्फ।
ये हो गया। अब देखो, जल का महाद्वीपीय भाग में घुसना बे और गल्फ कहलाता है, और स्थल का जलीय भाग में घुसना समुद्र में निकला हुआ भाग जो है इसको केप या पेनिसुला कहते हैं। अंतर देखो कितना माइनूट अंतर, अच्छा अंतर है, मतलब पूरा अलग सा है अंतर है। तो ये होगा भारत के संदर्भ में। देखो अगर आपको एक एग्जांपल याद हो, हमारा ये सदर्न इंडिया है, ये श्रीलंका है। अब श्रीलंका भाई जल्दी अच्छे से बन जा भाई, इतना बड़ा तो नहीं है भाई श्रीलंका। हाँ ये सही है ये। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से ना, तो यहाँ बीच में इधर है पाक की खाड़ी। इस चीज़ को ध्यान रखना, यूपीएससी ने एक बार पूछा भी है भाई। ऊपर है पाक की खाड़ी और नीचे है मन्नार की खाड़ी। अब बीच में दोनों जो जलों को जोड़ रहा है इसी को कहते हैं पाक जल संधि। पाकी का तो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रमुख एक है ग्रीक, एंड ग्रीक कहाँ से आ गया यार, क्रीक, क्रीक एंड बैक वाटर। आप सुने होंगे बैक वाटर, आपको अगर याद हो तो ये केरल में फेमस है बैक वाटर नौकायन के लिए। एग्जाम्पल जैसे वेम्बनाड, अगर सस्थमकोट्टा वेम्बनाड आपको याद हो तो रामसर स्थल भी हैं। तो वेम्बनाड जो केरल में है ये भारत का सबसे बड़ा बैक वाटर है, बड़ा बैक वाटर का एग्जाम्पल है। क्रीक, क्रीक आप देखेंगे तो गुजरात में बहुत है, वो हमारे वो जो बीएसएफ के जवान आते हैं तो गुजरात एरिया में क्रीक है। वहाँ पर देखो अक्सर न्यूज़ में आता है कि वहाँ नाव चला रहे थे हमारे भारतीयों को, मछुआरों को पाकिस्तान ने अगवा किया, ये वो क्या है समझते हैं। क्रीक बैकवाटर दोनों इसमें है, जल का स्थल भाग में घुसना या प्रवेश करना, जल का स्थल भाग में घुसना है प्रवेश करना। अब देखो यहाँ भी है, जल का महाद्वीपीय भाग में घुस रहा जल, यानी बड़े स्तर पे है ये, छोटे स्तर पे जल का स्थल भाग में घुसना प्रवेश करना। अब देखो समझो, ये है मान लिया तटरेखा, अगर ये जो प्रवेश कर रहा है जल, जल वो अगर इसके तटरेखा के लंबवत हो, यदि प्रवेश लंबवत हो तो उसे बोलते हैं हम क्रीक। यदि प्रवेश जो है वो पैरेलली हो, मतलब पानी ऐसे रुका हो, ऐसे रुका हो पानी ऐसे, यदि प्रवेश समानांतर हो, पैरेलल हो, तो इसी को कहते हैं बैक वाटर। अब आप मुझे लगता नहीं भूलेंगे, बैक वाटर इसी को बोलते हैं। ये है तट रेखा, ये भी है तट रेखा, ये है प्रवेश। अगर प्रवेश समानांतर है तो उसको बैक वाटर, नहीं तो क्रीक। तो ये वेम्बनाड केरल का बहुत फेमस है नौकायन के लिए। अब सोचो, अब यूपीएससी बना बना के कैसे पूछ सकता है कि अगर समुद्री लहर तूफान तेजी से आया तो किसको ज़्यादा प्रभावित करेगा, बहुत तेज़ी से ज्वार वाली स्थिति आई इसको ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि सीधा ये स्थल पे घुसेगा अंदर तक तबाही मचाएगा। इसमें इसमें देखो टकराए के स्थल से घूम जाएगा, पानी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा इसीलिए। अच्छा ध्यान रखना, किसी बैक वाटर को हम कयाल भी बोलते हैं, बैक वाटर को कायल या कयाल, कायल भी कहते हैं, एनसीईआरटी में दिया है। तो अब देखो मछली पालन के लिए पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण कौन होगा, बैक वाटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर असमान स्थिति आ रही है, चक्रवात आ रहा है, ज्वारीय स्थिति आ रही है, तो कुछ नोट ऐसे आप लिख सकते हो कि समुद्री लहर
तूफान क्री को ज्यादा प्रभावित करता है। ये सब आपको खुद समझना पड़ेगा। बैक वाटर को कम या नगण्य, नगण लगभग कम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह बैक वाटर मत्स्यन और पर्यटन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं, संदर्भ अगला। झील एवं लैगून, झील एवं लैगून। झील लगून क्या है? तो झील लगून वही भी जैसे अपने पहले पढ़ा कि जल का स्थलीय भाग में जब ये घुस रहे हैं तो उनको क्रीक बोल रहे हैं, हम बैकवाटर बोल रहे हैं, गल्फ वे बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो झील लगून भी वही स्थिति है, लेकिन ये जल का स्थलीय भाग में होना सिंपल, उसी के प्रकार विभिन्न है। झील में देखते हो, आप तो जानते होंगे, चिल्का झील, बेम्बनाड झील, पुलिकट झील। देखो झील अंदर भी होती है, किनारे भी होती है। तो ये तो झील जान ही रहे हो, सांभर झील जैसे है, अंदर है, किनारे पे नहीं है, तट के किनारे नहीं है। तो स्थल के कहीं ना कहीं ये स्थल के आंतरिक भाग में होती है झील। झील का मतलब है लेक, तो लेक कहाँ होती है? स्थल के आंतरिक भाग में। जल आंतरिक भाग में। लगून या क्या होती है? स्थलीय तट पे, या हम कहें उसका मुख जो होता है समुद्र से जुड़ा होता है, उसी को लगून कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, इसे चिल्का लगून है शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा गलत लिखा हूँ तो मेरे को जहाँ तक पता, चिल्का लगून उड़ीसा, ये तट है, ये वाली अगर स्थिति है, छोटी सी स्थिति, तो ये इसी को क्या बोलते हैं? लगून, लगून। झील हो गया अंदर। आमतौर पर लगून एक प्रकार का बैक वाटर है, परंतु लगून गोलाकार, जबकि बैक वाटर तट के समानांतर और लंबा होता है। तो लगून कह सकते हैं कि एक प्रकार का अ काइंड ऑफ बैक वाटर, लेकिन अंतर क्या है? लगून होता है सर्कुलर और ये होता है चपटा। ये अंतर हो गया। आगे आता है क्या? जल संधि, वाटर कन्वेंशन। जल संधि का मतलब जल की दो महान राशियों को जोड़ना। संधि जो जल को संधि करा रहा हो, तो जल की दो महान राशियों को जोड़ना। ध्यान देना, यूपीएससी ने मेंस में पूछा था 22 में, जल की दो महान राशियों को जोड़ना। जैसे स्थल संधि, स्थल की दो महान बड़े स्थलों को जोड़ता है। जैसे आप देखें पनामा, पनामा जो है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में, वो पूरा एरिया कहीं ना कहीं स्थल संधि भी, और पनामा नहर जल संधि भी है, क्योंकि इधर में आपका मिल जाता है ये कैरिबियन सी, कहाँ गया, ये कैरिबियन सी, इधर प्रशांत महासागर, तो ये जल संधि भी हो जाएगा। और ये जो स्थल का एरिया है, इसको ऊपर जोड़ रहा है, ये स्थल संधि हो जाएगा। जैसे यहाँ देखोगे इजिप्ट में जो ये कौन सा, ये प्रायद्वीप है मिस्र, मेरे को याद नहीं आ रहा, या इजराइल, इस वाले एरिया को आप इसको स्थल संधि बोल सकते हो। दो दो तरीके से एशिया और अफ्रीका को जोड़ रहा स्थल संधि। और ये जो नहर गई है मिस्र में, स्वेज नहर, ये कहीं ना कहीं जल संधि हो सकती है, भूमध्य सागर को जोड़ रही है लाल सागर से। तो ये अंतर होता है कि स्थल को जोड़ रहे हैं, जल को जोड़ रहे हैं। तो जल की दो महान राशियों को जोड़ना, जैसे आपको हमने बताया था एग्जाम्पल पाक जल संधि, तो पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी को जोड़ रही है। अब इसी में कहा था चैनल,
कहते जहाज उस चैनल से निकल रही है, इंग्लिश चैनल हम सुने हैं, चैनल एग्जाम्पल जैसे है इंग्लिश चैनल, ये क्या है भाई? एक तो जल संधि सकरा रास्ता है जो दोनों महान राशियों को जोड़ा, ये क्या है? आकृति जल संधि होती है लेकिन थोड़ा चौड़ा होता है, ये आकृति या बनावट जल संधि जैसी लेकिन उससे चौड़ी होती है। तो जल संधि क्या है? एक प्रकार का वाटर चैनल है जो दो स्थलों के मध्य पड़ता है। तो एक लाइन लिख सकते हैं आप कि जल संधि एक वाटर चैनल है जो दो स्थलों के मध्य पड़ता है। देखिए अगर यहाँ देखेंगे पनामनहर तो दो स्थलों के मध्य में है ना, लेकिन वाटर चैनल की तरह। अब देखो ये है इंग्लिश चैनल, ये वाला, तो कहीं ना कहीं जल संधि से चौड़ा है। तो ये आपके प्रमुख हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको ज़रूर जानना चाहिए जब आप बात कर रहे हों कि मानचित्र अध्ययन करते समय कुछ शब्दावली जिनका ध्यान रखें आप, शब्दावलियाँ जो हैं उनको आप ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप लोग इतना जानिए जो मैं समझ रहा था कुछ इम्पोर्टेंट है उसको बता दिया, और आप लोग अपने हिसाब से ज़रूरी होगा खोज लीजिएगा, फिर हम चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।